फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत प्यारा मैं नेक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो जिसके लिए ये हमने डोरी बना ली हुई है ऑलरेडी। उसके बाद मैंने ये कुर्ती लिया हुआ है, कुर्ती का पल्ला, और ये हमने लिया है पेस्टिंग बकरम जिसे हम बोलते हैं, वो इसी में हम कटिंग करेंगे और बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले सारे मैनेजमेंट मैं इसी पे ले लूँगी। और ये हमने लिया है मोती, जो कि इसी से एक एक मोती निकाल कर मैं इस पे नेक पे लगाऊँगी। तो चलिए अब करते हैं कटिंग। तो इस फैब्रिक से पहले हम निकाल लेंगे, जो डिज़ाइनिंग बनानी है हमें। तो इस तरीके से पहले करेंगे हम डबल। तो ये हमने कर लिया डबल। उसके बाद यहाँ से लेंगे 3 पॉइंट, फोर इंचेस, और यहाँ से लेंगे हम 4 इंचेस, फिर यहाँ से मिलाएंगे इसको। और इससे इसको मिलाएंगे, इसमें देंगे गोल सेफ, और इसमें इस टाइप से। अब कर लेंगे इसकी कटिंग फर्स्ट स्टेप की। उसके बाद फिर से इधर से कटिंग कर लेंगे। ये हमने बोट की कटिंग कर ली है। अब हमें नीचे जो लगाना है उसकी कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल बराबर से इसके ही हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए इसको डालना है इसके ऊपर। और लगाना है इसके मार्किंग। यहां से मिला लेंगे इस पे रखकर। इस टाइप से हमने मार्किंग लगा लिया है, हमने हटा लिया। तो मेन गला ये होगा। उसके बाद हम इस टाइप से इसको छोड़ते हुए इसको यहाँ से लेंगे और इसको लगा लेंगे इस टाइप से मार्किंग, और इसमें मिलाएंगे। उसके बाद हमें लेना है जो करना है हमें कटिंग। तो उसके बाद ये वाला निकाल लेंगे। ये तो अब ये निकालेंगे। तो उसके निकालने के लिए हमें करना है इसको डबल। तो उससे पहले यहाँ से कट कर लेते हैं। ये और इससे निकालेंगे हम डिजाइनिंग वाले को। इसके ऊपर इस टाइप से रख देते हैं। उसके बाद इसको ये तो हो गया मेन गला। उसके बाद ये हो गया डिस्टेंस, और ये हो गया नीचे वाला।
तो नीचे वाला को इसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना होगा। तो यहाँ से पहले हम मिला लेते हैं और इसको इसमें, और इससे पहले कर लेंगे हम इसकी कटिंग। उसके बाद ये होगा डिस्टेंस वाला। हमने दोनों स्टेप की कटिंग कर लिया है, ये देखिए कुछ इस टाइप की है। तो ये बिल्कुल इस टाइप से जाएगी। तो इससे पहले हम इसको फैब्रिक में चिपकाते हैं कच्चा। इस पे बैठा के आयरन कर लिया है, अब हमें क्या करना है, दोनों को हम इस पे बैठा लिए हैं और आयरन कर लिए हैं, ये देखिए प्रेस से हमने चिपका लिया है। अब करना क्या है, इसको हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए पूरे को कट करना है। इस तरीके से और इसको मोड़ते जाना है फोल्ड करते हुए। ये फोल्ड हमने कर लिया है, अब इसको अंदर से भी करना है। तो हाफ हाफ इंच हम छोड़ देंगे, उसके बाद पूरे को कटिंग कर लेंगे। अब इसमें यहाँ से कट कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट्स। और इसको कर लेंगे फोल्ड। तो इस टाइप से हमने पूरा को फोल्ड कर लिया है। हाफ हाफ इंच इसका भी फोल्ड कर लेंगे। उसी तरीके से ऊपर नीचे, ऊपर तो बैठाएंगे नीचे से फोल्ड करेंगे। हमने कर लिया है फोल्ड इसको भी, अब इसको हम चिपकाएंगे। तो यहाँ से लेंगे इसको इस टाइप से और इसको बीच सेंटर में कट कर लेंगे बिल्कुल बराबर करते हुए।
और लगाएंगे एक कट। तो ये कट हमने लगा लिया है, अब इसको चिपकाएंगे इस टाइप से लेंगे और यहाँ भी लगा लेंगे मार्किंग और इसको इस टाइप से पहले और यहाँ पे भी कट लगा के मार्क लगा लेंगे और इसको चिपकाएंगे इस टाइप से और लगा लेंगे एक बिल्कुल किनारा से सिलाई। पूरे को इसी तरीके से चला लेंगे। तो ये हमने चला लिया है, अब इसको पलट लेंगे। तो इससे पहले हम अंदर के फैब्रिक को निकाल लेंगे कट करके। अब इसमें लगाएंगे छोटे छोटे कट्स। इस टाइप से तो इसमें लगा लिए छोटे छोटे कट्स। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद बिल्कुल किनारा एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने ऊपर से भी सिलाई लगा लिया है, अब चिपकाएंगे इसको मैन वाले को जो कि इस टाइप से। इसको भी चिपकाएंगे तरीके से। इसके ऊपर हमने इसको भी डाल लिया है, अब इसको भी सिलाई लगा लेंगे इस टाइप से और इधर इस टाइप से। तो अब लगाते हैं सिलाई बिल्कुल किनारा करते हुए। इस टाइप से एक सिलाई हमने चला लिया है, अब चलाएंगे नीचे वाली दूसरी सिलाई। इसके बिल्कुल बराबर से एक सिलाई और लगाते हैं। वाले को पहले कर लेंगे कट साइड साइड से। अब निकाल लेंगे इस बीच वाले कपड़े को। इस टाइप से पूरे को पहले कट करेंगे, उससे पहले इसी तरीके से इसमें लगाएंगे कट्स।
तो ये कट्स लग चुकी है। अब इसको हम पलट लेंगे, पलटते हुए सीधा करना है। और इसको फिर अंदर की तरफ मोड़ते जाना है इस तरीके से। ये अब इसमें हम पूरे में लूप्स अटैच करेंगे, जो कि ये लूप्स हमने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, तो अब इसको हम इसमें अटैच कर लेते हैं। इसी तरीके से इसमें लूप्स को डालते जाना है, एक एक इंच की दूरी पे भी आप लगा सकते हो। तो इसी तरीके से हम सारे को अटैच कर लेंगे इसमें। तरीके से सारे को पहले हमें डालते जाना है इसी टाइप से। तो इस तरीके से नीचे वाला में अटैच हो गया। तो हमने नीचे वाले के ऊपर से अब इसको लगाएंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। तो वो चलाते हैं इस टाइप से, इसके ऊपर से सिलाई को लगाते जाना है। बिल्कुल सेफ देते हुए ये देखिए इसी टाइप से हमने इस तरीके से सारे को लगा लिया है। ये देखिए इस टाइप से ये अटैच हो गई है। अब इसको पूरे को मैं सो करूंगी। तो ये फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक है। तो कैसा लगा ये बॉट नेक का डिजाइन? सिंपल भी है, इजी भी है, बहुत लेटेस्ट डिजाइन ये है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं सब तरफ से शो करके दिखाती हूँ। ये पहनने पे भी बहुत खूबसूरत लगता है इस तरीके से, ये जाएगी पहनने पे, फिट होने पे। तो इस तरीके का आप बोट नेक बना सकते हो इजिली घर में, ये देखिए। तो आज का ये बोट नेक की कटिंग स्टिचिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स आप कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।